बेकसूर हूं, बेकसूर हूं, बेकसूर हूं, बेकसूर हूं। कौन है? गॉड, शुक्र है इतने दिनों के बाद आखिर तुम होश में आ ही गए। मैं कहां हूं? तुम बंबई से 100 मील दूर मछेरों का एक गांव है, तुम वहां हो। तुम कौन हो? है? मैं जो हूं, डॉक्टर जो डिकोस्टा। और तुम कौन हो? अरे भाई, तुम्हारे घर वालों को खबर देनी पड़ेगी ना। किसी न किसी को तो तुम्हारे इलाज का खर्चा भरना ही पड़ेगा। वाकई ये चमत्कार ही है जो तुम जिंदा हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? ओह माय गॉड, लगता है इसकी याददाश्त चली गई। मेरा नाम तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं रहना चाहिए। तो क्या करूं मैं? उन लोगों के बीच रहकर भी तुम्हें अकेला रहता हूं। 5 साल हो गए, अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे मां बाप कौन है। फिर वही बात। देखो बेटा, तुम्हारे इलाज और तुम्हारे अपनों को ढूंढने में मुश्किलें थी, जिस हद तक हो सकता था किया। अब तुम्हारी खबर पुलिस को या अखबार में तो दे नहीं सकते थे। पता नहीं किसने तुम्हें मारा है, क्यों मारा है। अगर खबर दे देते तो वो लोग फिर से तुम्हारे दुश्मन हो जाते। हो जाते दुश्मन, मार डालते मुझे। कम से कम मरने से पहले ये तो पता चल जाता कि मैं हूं कौन। बेटा, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अगर एक तूफान तुम्हें यहां पहुंचा सकता है तो कोई दूसरा तूफान तुम्हें उस जीवन की कड़ी से जोड़ भी तो सकता है। कहते हैं यहां जो भी मन्नत मांगो जरूर पूरी हो जाती है। मैंने तुम्हारी याददाश्त वापस आने की मन्नत मांगी है। अब ज्यादा देर नहीं है, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। Sorry.
बता मुझे देखकर तो क्यों भागा? बता। कौन हो तुम? मुझे देखकर क्यों भागे? क्या जानते हो मेरे बारे में? बताओ। कुछ सालों पहले तुम्हें जान से मारने के लिए इस साल रुसन में मुझे एक आदमी 50,000 रुपए दे दे। कौन था वो आदमी? मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारा नाम रवि सोनी है। याद करो, याद करो। रवि सोनी कौन है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो, रवि सोनी के बारे में सोचो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रवि सोनी कौन है? कौन है रवि सोनी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। बस 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 बस। Now relax. आओ मेरे साथ। यहाँ। Relax. बैठो बैठो। बैठो। देख जाओ। हाँ। बस। अब सोचो, तुम रवि सोनी हो। रवि सोनी। हाँ सोचो, याद करो बेटे, याद करो। अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करो बेटे, याद करो, याद करो। अपने दिमाग पर जोर डालो। हाँ बोलो, तुम क्या करते थे? बोलो है? नौकरी, बिजनेस या कुछ और? आराम से, आराम से अपनी आंखें बंद कर लो। नौकरी, नौकरी। नौकरी कहाँ? कहाँ? पेपर। पेपर? पेपर किसका? किसका पेपर? बताओ बताओ, किसका पेपर? याद करो, याद करो। किसके लिए काम करते थे? बोलो। इंटरव्यू। इंटरव्यू? किसका इंटरव्यू? इंटरव्यू किसका? 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 बोलो। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह? उन घोड़ों को गोली मार दी जाती है जो ठीक से दौड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे राज्य की राजनीति में रामा पाटिल जैसे लंगड़े घोड़े सबसे आगे, और कोई कुछ नहीं कहता। रामा पाटिल के भ्रष्टाचार का बरगद सारे राज्य में पूरी तरह अपनी जड़ें फैला चुका है और सब चुप हैं। क्यों? इसलिए कि हम आवाज उठाना नहीं जानते। इसलिए कि हम भूल चुके हैं कि अत्याचार को सहन करना भी कायरता है। लेकिन यह सिलसिला अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मेरी पार्टी ने फैसला किया है कि अगले इलेक्शन में रामा पाटिल और उसके भ्रष्ट साथियों को पूरी तरह जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। चारा, बोलता तो ऐसे है जैसे गंगा नहा कर आया हो। रामा पाटिल से बड़ा बदमाश तो नहीं हो सकता। सभी एक जैसे होते हैं रवि। तुम शरीफ आदमी हो, सिर्फ सच्ची बातें लिखते हो, पर क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे देवता समान नेता श्री महेंद्र सिंह जी का असली रूप क्या है? क्या है? पहले वो ऊटी में था, वहां किसी लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया था। जब बात पड़ी तो मामला दबाने के लिए लड़की का गला ही दबा दिया। अगर ये सच है तो किसी ने इसके बारे में लिखा क्यों नहीं? इसलिए कि लोग महेंद्र सिंह को देवता मानते हैं, और जो नहीं मानते वो डरते हैं उससे। इंक्वायरी कैसे होगी? आप भी डरते हैं उससे? हाँ, मैं डरता नहीं हूं उससे, मगर तुम्हें तो मेरे उसूल मालूम है। जब तक पूरी स्टोरी मालूम ना हो मैं कभी नहीं छापता। अगर आप सच कह रहे हैं तो महेंद्र सिंह जैसे आदमी को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। अगर तुम कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली कवर स्टोरी यही होगी। यस रवि। ग्लोरिया, मैं कल ऊटी जाना चाहता हूँ। ऊटी? मैं भी चलती हूँ, अकेले बोर हो जाओगे। मैं वहाँ जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना। अरे मेरे पास बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहाँ है यार। Shut up, Gloria. Just get me the ticket. Yes, boss. रवि, दरवाजा खोलो रवि। रवि, क्या हुआ Gloria? दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? Take it easy. क्या कहा तुमने? Take it easy?
पिछले आधे घंटे से दरवाजा पीट पीट के मेरे हाथ टूट गए और तुम कहते हो टेक इट इजी। न जाने इतनी देर में क्या क्या सोचा था मैंने। सुना नहीं तुमने, क्या हो गया था तुम्हें? क्या हो गया था मुझे? स्टोरी टाइप कर रहा था, थक गया था, थोड़ी सी पी ली। क्या टाइम क्या हुआ? सुबह के 4:25 हुए हैं और 5:30 की फ्लाइट पकड़नी है तुम्हें। मिस्टर राय हमारे बॉस और इस एस्टेब्लिशमेंट के मालिक ठीक 4:30 बिल्डिंग के नीचे मिलेंगे और तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएंगे। अब जल्दी करो, तुम्हारी जरूरत की हर चीज बैग में लेकर आई हूँ। गर्म कपड़े, टेप रिकॉर्डर, कैमरा। ओहो, अब चलने की तैयारी करो, 3:25 में बॉस पहुँचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट चला जाता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कामयाब जरूर होऊंगा। तुम जरूर कामयाब होगे रवि, महेंद्र सिंह के अतीत की तलाश में। रवि तुम इस मिशन की अहमियत को नहीं जानते, अगर कामयाब हो गए तो एक और मसीहा को बेनकाब करोगे। हिंदुस्तान के महान पत्रकार रवि सोनी साहब, भाई हमें तो हमेशा शैतान बनाकर ही पेश किया है आपने। एक बात पूछे भैया। यस सर। ये सारी रुसवाइयां, ये सारी तकलीफें हमारी तकदीर में क्यों हैं? सर तकलीफ आपको मैं नहीं पहुंचाता, आपको तकलीफ होती है सच से, और सच की तरफदारी मैं करता हूँ। वाह वाह वाह, तुम्हारे विरोध से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पत्रकार। और एक बात बताएं, सच वही नहीं होता जो तुम लिखते हो, और बहुत सी ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम जानते ही नहीं। जो मैं जानता नहीं वो मैं लिखता नहीं, लेकिन जानकर ना लिखूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके ये महेंद्र सिंह जी, इनके बारे में भी कभी 2-4 शब्द लिख दिया करो। हर सफेदपोश के गुजरे हुए कल में कुछ ना कुछ काला जरूर होता है, अगर इनके बारे में कुछ मिला तो लिख पाओगे है? मुझे नहीं लगता कि लिख पाओगे। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल चलते हैं। फ्लाइट का टाइम हो रहा है रवि। That's right, sir.